इन दिस मॉड्यूल वी विल एक्सप्लेन दंक्शनल स्कोप ऑफ एच आर एम टिपिकल फंक्शन एंड इन्फॉर्मेशन जनरेटेड इन इट तो अगर आप ई आर पी सिस्टम यूज कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में एंड यू आर प्लेस्ड इन एच आर डी डिपार्टमेंट तो फंक्शन ऑफ एच आर एम भी आपको पता होने चाहिए इसलिए पता होने चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन आपने कैप्चर करनी है इस डिपार्टमेंट में काम करने से अगर उसकी पूरी नो हाउ नहीं है तो यू विल बी कैप्चरिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो बैड इंफॉर्मेशन विल लीड टू बैड डिसीजन मेकिंग तो आइए इसको रिव्यू करते हैं नो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन इज टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी बाय मैक्सिमाइजिंग एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी अगर एम्प्लॉय प्रोडक्टिव है तो उसका इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पर होगा एम्प्लॉय अगर अपना काम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है और जो टास्क उसको असाइन किए गए हैं वो टाइमली कंप्लीट कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर सकती है मैनेज एंड प्रैक्टिस बाय ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट तो ऑल दिस फंक्शन ऑफ एसआरएम इज मैनेज एंड प्रैक्टिस बाय ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कुछ कंपनी में उसको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहा जाता है कुछ कंपनी में देर मे बी अदर टर्म विच दे माइट बी यूजिंग ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन Uh, the name of the department could be different. Now, what are the typical functions? Typical functions are there are variety, wide range of functions that are performed in the discipline of human resources. Some functions are traditional in nature and that are practiced by HRD. So, originally, uh, functions designed in the literature of HRM. कुछ कंपनी उसको फॉलो करती हैं दैट इंक्लूड सर्चिंग फाइंडिंग रिटेनिंग द एम्प्लॉयज एंड मेकिंग श्योर दैट दे प्रोवाइड ऑल द रिसोर्सिस नीडेड टू द एम्प्लॉय टू मेक श्योर कि ही और शी इज ए प्रोडक्टिव एंड मेकिंग ए वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन दर्गेनाइजेशन नो वट आर दोज फंक्शन नाउ द फर्स्ट वन इज जॉब डिजाइन एंड एनालिसिस दिस इज वन ऑफ द फंक्शन विच दे हैव टू परफॉर्म ऑन मे बी मंथली और ऑन ए डेली बेसिस कि हमें किस किस्म की जॉब की जरूरत है जो जिसके अगेंस्ट हमने एम्प्लॉयज हायर करने हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या होंगी स्पेसिफिकेशन क्या होंगी कंपनसेशन क्या होगी इस जॉब की वर्क फोर्स प्लानिंग कितने लोग चाहिए कब चाहिए और उनकी ओवरऑल पैकेज क्या होगा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन रिक्रूटमेंट करना मीन्स के सबसे पहले यू विल मेक श्योर के यू विल पोस्ट दोन द न्यूज पेपर और ऑन द ऑनलाइन फॉरम्स ताकि हमें राइट मैन फॉर द राइट जॉब मिल सके uh, और उसके साथ साथ जब आपके पास रेज्यूमेज या सीवीज आ गए तो उसमें से आपने किस किस को सिलेक्ट करना है स्क्रीन आउट करना है ताकि आप उसे सिलेक्ट करके इंटरव्यू की स्टेज तक लेकर आए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के जो टास्क उनको दिया गया है ऑन ए मंथली बेसिस या ऑन ए इयरली बेसिस उसके अगेंस्ट क्या उन्होंने वो टास्क या वो गोल्स अचीव किए रिन के जो उनका आ, काम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट उनको क्या पैकेज मिल रहा है क्या सैलरी मिल रही है लीगल कंप्लायस अगर कोई वर्क फोर्स रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से वो उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कि अगर उनको कोई नई स्किल सेट चाहिए तो उसके अगेंस्ट कंपनी uh, उनको ट्रेनिंग पे भेज रही है और जो गैप्स हैं उनको फिल कर रही है ताकि एम्प्लॉय प्रोडक्टिव और अपना टास्क अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके हु इज रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर ए स्टार्टअप कंपनी ट्रेन प्रोफेशनल कैन हैंडल दैट हर कंपनी के अंदर एचआरडी का डिपार्टमेंट सेपरेट होता है और उसमें एचआर आर एग्जेक्टिव एच मैनेजर या एचआर एसोसिएट होते हैं जो सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं इन लार्ज कंपनीज एन एंटायर फंक्शनल ग्रुप इज टिपिकली डेडिकेटेड टू द डिसिप्लिन एक सेपरेट ग्रुप होगा विद स्टाफ स्पेशलाइज इन इन वेरियस एच आर टास्क एंड फंक्शनल लीडरशिप इंगेजिंग इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग तो यहां पे भी आप नोट करें कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए आपको एचआर से रिलेटेड ही लोग चाहिए जो इन सारे फंक्शन को परफॉर्म करें और जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है उसको स्टोर रखें मैनेज करें और अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकें नाउ वट आर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज जनरेटेड वायल परफॉर्मिंग दो फंक्शन इन एचआरएम परफॉर्मेंस अप्रेजल के पहले क्या पैकेज था उसने क्या टास्क अचीव किए क्या गोल्स अचीव किए कौन से टास्क कंप्लीट किए और अब उसकी अप्रेजल कितनी होनी चाहिए डॉब डिस्क्रिप्शन कंप्लायंस एक्ट सैलरी स्पेसिफिकेशन ट्रेनिंग नीड असेसमेंट तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन वुड नीड डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टोरेज तो इफ यू यूजिंग ईआरपी सिस्टम इन योर ऑर्गेनाइजेशन तो ये सारी इंफॉर्मेशन ईआरपी uh, के अंदर स्टोर होगी